चर्चा गर्म रहा, अंत में आपके ट्वीट के जरिए ये पता चलता है कि सीएम अगला कौन होगा पंजाब का, क्या कुछ रहा दिन भर? ये मामला कल ही तय हो गया था, हम तो केवल किस समय करना है, किस समय गवर्नर साहब के पास चलना है उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गवर्नर साहब के वहाँ से जैसे ही टाइम मिला सारी पार्टी चल पड़ी, सारी पार्टी चल पड़ी। इसलिए ये कहना कि कोई दिन में उपापो रही, आपकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, आप कई चीज़ें अंदाज चलाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी श्री चेन्नी के नाम पर पहले से ही एकजुट थी। कल मुख्यमंत्री को जब जनता देख रही होगी तो नजरें कैप्टन साहब को भी वहां ढूंढने की कोशिश करेगी, क्या कैप्टन साहब होंगे शपथ ग्रहण समारोह में? हमारा प्रयास है कि वो आए, लेकिन ये तय करना उनको है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या अप्रोच उनसे नहीं किया जा रहा है, क्या कांग्रेस में जरूरत अब उनकी? अभी भी हमने कोशिश की थी और मेरी समझ से कल प्रातः फिर कोशिश की जाएगी ये उनसे बातचीत हो सके। कल के बाद भी सवाल यही होगा कि चेहरा कौन होगा अगले चुनाव में, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू साहब, देखिए चेहरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये काम हमको नहीं करना होता है। लेकिन जो यहाँ के हालात हैं उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। तो सरकार का फॉर्मूला कल क्या होगा, डिप्टी सीएम होंगे, कितने होंगे, कौन होंगे? हमारी जो जनभावना है, हमारे एमएलए की भावना है वो ये है कि दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, और हम दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जल्दी से जल्दी नाम तय हो गए सर डिप्टी, कुछ नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन एक प्रेरोगेटिव जो है मुख्यमंत्री का होता है, जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो वो पार्टी हाईकमान से परामर्श करके इसको तय करें। बीजेपी कैप्टन साहब को लेकर काफी सॉफ्ट है और कैप्टन साहब के बचाव में काफी बयान दिए जा रहे हैं, जबकि मौजूदा सीएम जो बनने जा रहे हैं इनके आरोपों पर कुछ बातें बीजेपी कह रही है। हाँ, भाजपा को पहले कैप्टन साहब से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि पिछले दिनों में जो आरोप उन्होंने कैप्टन साहब पर लगाए हैं उसके लिए वो कहें कि हम सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग रहे हैं, तो उसके बाद सॉफ्ट हों या हार्ड हों ये फिर देखा जाएगा। सर एक सवाल अब उत्तराखंड का है, आज केजरीवाल साहब ने ताबड़तोड़ कई घोषणाएं की हैं उत्तराखंड के जनता के साथ और आपको चुनाव वहां लड़ना है। देखिए न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो केजरीवाल साहब ने जो कुछ दिल्ली में नहीं किया है उनकी घोषणाएं वो उत्तराखंड में कर रहे हैं, वो उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं और उत्तराखंड को, उत्तराखंड के बजट को, उसकी जटिलताओं को समझे बिना करना चाहते हैं। सर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक क्या ये तय नहीं हुआ है कि चेहरा कौन होगा पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में? मैंने आपसे कहा ना कि ये सवाल जो है कांग्रेस नेतृत्व को तय करना होता है, लेकिन जो स्थिति है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी है।